मालपुए मैं आज बनाने जा रही हूँ और ये पूरा रस से भरा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह बनेंगे और आप घर पर बनाएं। चलिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ मालपुए बनाना। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मालपुआ। 1 कप गेहूँ के आटा लिया है, थोड़ी सी सूजी, मैं इसे दूध से आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने दूध लिया है, जितना ज़रूरत होगा मैं इसमें डालूँगी। और थोड़ी थोड़ी दूध डालकर ही आप मिलाएं, इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इस तरह से आप रखिए इसका थिकनेस। अभी 10 मिनट बाद मैंने मालपुआ बनाने के लिए चीनी लिया है और आधी कटोरी पानी डाल दिया। अब मैं इसे खौलने के लिए रख दी हूँ गैस पे। ये सूजी और आटा लगभग फूल चुका है। मलाई लिया है, इस मिश्रण में 2 चम्मच के करीब मलाई डालें। इतनी गाढ़ी होनी चाहिए। अगर आपको पतला लगे तो थोड़ी सी आप आटा मिक्स कर सकते हैं या सूजी, ये बिल्कुल सही है। 1 तार की चीनी का सीरा हो। अब मैं इसे बंद कर रही हूँ, ऑफ कर दिया गैस। रिफाइंड में बनाएं या देसी घी में बनाएं, अब यह गर्म हो चुका है। ऊपर से थोड़ी सी डालें और ये ध्यान रहे कि कम तेल या घी डालें आप। ज़रूरत पड़ने पर आप गैस को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और इसमें जो मालपुए बनेंगे अच्छे बनेंगे, इसलिए आप ये ध्यान दें कि आप मालपुए के लिए कम ही रिफाइंड का या शुद्ध घी का यूज करें। ये मालपुए फट नहीं रहे हैं। ऊंचे से और इसे तुरंत ना उल्टे, इसे मैंने पलट दिया है, मैंने सिरे में डाल दिया है इसे। इस सिरे में मैं पीसी हुई इलायची पाउडर डालूंगी। अब मालपुए तैयार हो गए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।